सब उसको करता ही है। What is up, you beautiful people? Welcome back to our channel. What the fuck, Dil? और इसको मैंने अभी हाईजैक कर लिया लाइफस्टाइल राइजिंग के ने, तो अभी आप सबके सब सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर। चलो जाते हैं What the fuck, Dil के गाड़ी के ऊपर बैठते हैं और मचाते हैं। कैसा किया भाई? बहुत हार्ड। तो अच्छा स्पेशल इंट्रो हो गया अपने भाई इधर आ या हम लोग मिल गए अचानक से। बहुत टाइम से प्लान चल रहा था, खाली प्लान ही चल रहा था। फोन पे एक घंटा बात करके प्लान ही चल रहा था। तो भाई ने बोला चलो राइड पे फिर निकल जाते। बाइक निकाले, भाई की डोमिनार आई अपनी GS। बोला चलो कुछ मचाते है कि नहीं आज। यस कुछ ना कुछ तो मचाना पड़ेगा ना अभी मिले तो। तो अभी आए कोई लोकेशन पे एंड यहाँ पे आके अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली भाई के वीडियो में अपनी जानू आएगी और अपने वीडियो में भाई की डोमिनार आएगी। भाई जेस चलाएगा और अपन डोमिनार चलाएगा। मगर फुली लोडेड है, मेरी फट रही है, तेरी जो जानू है उसको चलाओ करके। क्योंकि भाई BMW है, थोड़ा अच्छी गाड़ी है। बहुत मन था जब से तेरा नेपाल का राइड देखा तब से मन था कि इसको चलाने का एक बार। तो आज फाइनली वो दिन आ गया। अच्छा फाइनली वो दिन आ गया और मेरे को भी मौका मिलेगा ना, मैं भी थोड़ा हाथ सफाई कर लेता हूँ डोमिनार पे। मैंने डोमिनार आज तक नहीं चलाई। क्या बात कर रहा है, आज तक सच्ची में नहीं चलाई। चलाई मगर मैंने खाली 1 किलोमीटर के लिए चलाई, मतलब वो ना के हिसाब से। बहुत पसंद आई मेरे को, सच्ची में बहुत पसंद आ जाएगी इसमें बहुत। ये तो हाँ ये खतरनाक है, ये एकदम लोडेड है। अभी बता दो इसमें क्या क्या लोडेड है, पहले एक राउंड मारते। अपन इस पे भी बैठते हैं एकदम हीरो माफिक। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते डोमिनार, मजा आने वाली है डोमिनार में आज। और आज अपन निकलते हैं डोमिनार पे। फर्स्ट थिंग गाड़ी स्मूथ रखा है यार, एकदम फुल मेंटेन किया है भाई ने। गाड़ी एकदम स्मूथ है एंड गाड़ी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। स्टॉक डोमिनार से ये डोमिनार में इतना मॉडिफिकेशन है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बताऊँगा मगर अभी मैं चला के पहले फील करके देखता हूँ। क्योंकि स्टॉक डोमिनार से ना ये डोमिनार बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है, बहुत सारे एक्सेसरीज वगैरह लगे एंड इसको टूरिंग के लिए बनाया है, मतलब टूरिंग के हिसाब से भाई ने एकदम इसको सेटअप किया है। मगर ना ये बाइक पर मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बैठते साथ ही क्या बताऊँ क्या, इसका गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है यार। अब मेरे को पूछना पड़ेगा गियर में कुछ मॉडिफाइड हुआ है या नहीं, बट स्मूथ एकदम। और अपन इसमें खड़े रह के भी चला सकते हैं बाबा, खड़े रह के भी चला सकते हैं। फुटरेस्ट रखा है जो नीचे वाला है ना, वो एकदम फ्लैट वाला है, तो उसमें खड़े रहना ईजी हो जाता है, मेरे वाले गाड़ी में नहीं है। तो सैडलिंग करते वक्त वो बहुत काम आता है। तो देखो एकदम मस्त खड़े रह के चला सकते हैं अपन। ओहो भाई रोड इतना ख़राब है बट स्टिल गाड़ी एकदम मस्त का चल रही है यार। सस्पेंशन इसका ट्यून किया है भाई ने, एकदम स्मूथ हुआ है भाई, स्मूथ एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी, मज़ा आ रही है। ओहो क्या लोकेशन लाया है भाई, पूरा जंगल ही जंगल है, तो फुल जंगल। स्टॉक गाड़ी से बहुत सॉफ्ट है यार सस्पेंशन इसका, बहुत सही लग रहा है एकदम। छोटे मोटे खड्डे वड्डे आराम से सोक कर लेता है, बट कंफर्ट लेवल में अपना GS एकदम बाप है। कंफर्ट है ये भी, कंफर्ट नहीं बोलूँगा, कंफर्ट तो अच्छा खासा कंफर्ट है, जो प्यार से वो जो खड्डे वड्डे सोख लेता है ना, छोटे मोटे खड्डे वो ये भी सोख लेता है, बट देन वो बहुत प्यार से सोख लेता है यार, बहुत एकदम प्यार से। ऐसे देखो ये छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर है ना, मैं ध्यान भी नहीं देता उसमें, पर इसमें देखो मालूम पड़ रहा है, उसमें नहीं मालूम पड़ता। सस्पेंशन GS का एकदम कमाल धमाल है, कमाल धमाल। सैडलिंग भी मेरे को GS में ज़्यादा अच्छा लगा, और इसमें भी सैडलिंग कर सकते हैं मगर मेरे को थोड़ा आगे झुकना पड़ता है बैड रोड पे, मगर एकदम एडवेंचर टूरर जैसी चल रही है भाई ये, तो एकदम मचाते हुए जा रहा हूँ मैं एकदम। तो डोमिनार अच्छी गाड़ी है यार, डोमिनार अच्छी गाड़ी है, बट ऑब्वियस क्योंकि बहुत से लोग डोमिनार लेके खुश है जिनको मैं जानता हूँ। डोमिनार दौड़ती कैसा, पिकअप कैसा डोमिनार का,
अपनी जानू का ऐसा पिकअप नहीं है, भारी पिकअप है इसका। हाँ क्या पावर है इसमें यार, खतरनाक। तो भाई फाइनली हो गया अपना इस पे राइड करके, और राइड इतनी मज़ा आई है, मज़ा मतलब मज़ा अलग लेवल की मज़ा आई। डोमिनो चला के इतनी मज़ा अब तक नहीं आई थी। मैंने इससे पहले बोला ना आपको, 1 किलोमीटर चलाया था तब मेरे को पता नहीं चला, मगर आज मेरे को मालूम पड़ा गाड़ी में पावर है भाई, भर भर के पावर है। मतलब GS में मेरे को पावर की कमी महसूस नहीं हुई, मगर ये चला के मालूम पड़ा कि भाई पावर भी होता है कुछ। कंफर्टेबल भी है, ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल नहीं है। इन्होंने सस्पेंशन वगैरह सब किया है, जुगाड़ जो भी किया जुगाड़ ने इसमें, अभी आपको है ना जिसने किया है ना उससे ही मिला था वो, डायरेक्ट आपको सीधा सीधा आपको बता देंगे। जो भी आप व्यूवर्स देख रहे हो डोमिनार का वीडियो सोच के आप आए होंगे ना इसमें, यहाँ पे डोमिनार मॉडिफाइड, तो आपको डिटेल देते हैं हम लोग क्या क्या इन्होंने किया। और यूट्यूब में ना फिलहाल ऐसा मॉडिफाइड डोमिनार मेरे को लगता नहीं किसी ने किया है। नहीं किया। इतना मॉडिफाइड किसी ने किया होगा, और खर्चा वर्चा अभी आप बता मालूम पड़ेगा आपको। देखो गाड़ी के ऊपर जो टोटल खर्चा है वो लगभग 40,000 प्लस कर दिया है। ओके और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार ये अकेला गाड़ी रहेगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है ना, जो मैंने सस्पेंशन अपग्रेड किया है, थोड़ा सा रैली या फिर टूरिंग के तरफ जो सस्पेंशन रहता है वो डाला है, जो कि कॉस्ट करता है आपको 25,000 रुपीज़, वो किसी ने नहीं डाला रहेगा। सो दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि यार ऐसा जो गाड़ी है लाइक ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। अभी ये जो है मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सस्पेंशन है इसके ऊपर खर्चा किया है, ये है Zedling सस्पेंशन। Zedling जो है वो पूना बेस्ड एक कंपनी है, आप गूगल कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी देख सकते हो। तो ये जो है रेड द हिमालयाज, अगर आपने कभी देखा रहेगा या फिर सुना रहेगा, तो उसमें जो भी गाड़ियाँ जाती है उसमें मोस्ट ऑफ द जो सस्पेंशन रहते हैं फॉर इम्पल्स, फॉर हिमालयन या फिर फॉर डोमिनार, तो वो Zedling ही बना के उनको प्रोवाइड करता है राइडर्स को, और फिर वो राइडर्स जो है रेड द हिमालया जैसा जो टफेस्ट रैली रहता है वो करते हैं। अगर आप मेरा पीछे का सस्पेंशन देखोगे तो ये जो है ये एडजस्टेबल है, आप इसको ऑन द गो एडजस्ट कर सकते हो एज पर जिस तरह से आपका पिलियन का वेट है, जिस तरह से आपका सामान और लगेज है, उस तरह से आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। नाउ ये जो है ये सस्पेंशन आपको किसी भी डोमिनार में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो कंप्लीट यूनिट है वो अलग से चेंज किया गया है। एंड फ्रंट में जो रहता है उसके जो इंटरनल्स रहते हैं, मतलब जो बोर रहता है, जो उसके स्प्रिंग्स रहते हैं, वो सब उन्होंने मुझे चेंज करके दिया है। उसका जो कॉस्टिंग है बहुत महंगा है, नो डाउट है। इस गाड़ी अपना 2 लाख का है, उसमें आप 25,000 के सीट कवर से सस्पेंशन डाल रहे हो तो ये बहुत महंगा हो जाता है। बट एट द एंड आपका जो फिटनेस है, आपकी जो पीठ है, उसकी जो हड्डी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डेफिनेटली वो 25,000 से ज़्यादा ही कॉस्ट करेगी जब भी आप क्या बोल जाए तो दिल भाई बराबर एकदम तो इसीलिए मैंने वो सब डाल के लिया है। नाउ अगेन फ्रंट से हम लोग बाकी के जो लाइक एस्थेटिक जो मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है क्या बोलते हैं इसको, बीक बोलते हैं, ऑफ रोड बीक काइंड ऑफ थिंग रहती है ये। ये लगभग मैंने 1,000 रुपीज़ से लिया था, अमेजोन में भी मिलता है। इसकी लिंक मैं दिल भाई को दे दूंगा, तो दिल भाई डाल देना। ये जो हेडलाइट ग्रिल है ये एक न्यू एडिशन है, अभी अभी मैंने करंटली लगाया है। दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड मोटो कैन। तो मोटो कैन जो है ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसने ये हेडलाइट ग्रिल बनाया है। एंड जो वाइज़र है वो है अपना कार्बन रेसिंग का वाइज़र। फ्रंट में इतना हो गया, देन उसके बाद अगर हम लोग साइड पोर्शन में आते हैं तो सेम एज दिल भाई की गाड़ी अपना सह्याद्री का कैश गार्ड, उसके ऊपर HSG का लाइट लगाया हुआ है। एंड ये जो है ये KTM के हैंड गार्ड्स एंड मिरर। तो मिरर इसलिए क्योंकि यार जो वाइड एंगल है ना वो बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब देखो आप बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं, इवन आपके जो गाड़ी का हैंडल बार है उससे भी बाहर आते हैं, तो उसके वजह से जो ये आपके शोल्डर्स है ना वो नहीं दिखते मिरर में, पीछे का गाड़ी ही दिखता है जो कि दिखना चाहिए पॉसिबली। देन अपना मैग्नेटिक टैंक, ये लाइक बहुत ज़्यादा पसंद आया अपने दिल भाई को, ये जो है ये मैग्नेटिक टैंक है। अब इसको इस तरह से बस लगा ये, सकते हो। ये चीज देख के मेरे को बहुत मन कर रहा है मेरी गाड़ी पे करवाने का। भाई BMW है, इसका टैंक 2-3 हज़ार में आ जाता है, वो बहुत महंगा जाएगा। इसमें मैंने एक्चुअली जो अपना जो अपना मेटल का फ्रेम्स रहता है, पतरा रहता है, उसको मैंने कट करके अपने बाइक का जो टैंक का शेप है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ये पूरा है, ये वही शेप है पूरा। यस, तो ऐसे शेप मेटल करके इसको मैंने रिबिट किया है। ओके, सो दैट वो कभी निकल के नहीं आए। एक्चुअली मैंने चिपकाने का भी कोशिश किया, लेकिन ये जो बाइक के मैग्नेट रहते हैं ना, स्पेशली राइनॉक्स बाइक के मैग्नेट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। okay. तो वो है ना आपका खींच जो भी आपने चिपकाया है वो पूरा लाइक उसके साथ निकल गया था। तो राइड के ऊपर ऐसा हो जाना फिर तेरा क्या मूड खराब हो जाता है। एक तो तेरे पास स्ट्रैप नहीं है और ऊपर से जो मैग्नेट था वो भी निकल गया, ठीक है। तो मतलब इसलिए मैंने सीधा उसको रिबिट कर दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या पूरा टैंक खराब कर दिया, बट गाइज जो मुझे चाहिए मेरी गाड़ी है उस तरह से मैंने इसको बनाया है। अगर मुझे कभी किसी को बेचना है और उसको चाहिए कि यार नहीं भाई आपने गलत कर दिया टैंक के साथ, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली यार मैं उसको 2,000 में बदल के दे दूंगा, जो कि BMW में नहीं हो सकता, वो बहुत महंगा रहेगा।
बहुत ज़्यादा। हाँ मूविंग अहेड, इसका जो लाइक हैंडल बार है वो मैंने राइज किया है बाय आई गेस 20 mm का जो हैंडल बार राइजर रहता है। 20 mm इसमें, यस ये खाली 20 mm है। अगर 50 mm जो तेरी गाड़ी में लगा है तो वो लग यहाँ पे आता, बट इसकी जो वायरिंग है वो इतनी बड़ी नहीं है कि यू नो हम लोग 50 mm का लगा सके, तो 20 mm का ही लगाया हुआ है। एंड इसमें जो चार्जर है, तेरा चार्जर का इशू है राइट, गाड़ी में चार्जिंग नहीं, मेरे में चार्जिंग वो 2 महीने में बंद हो गया। तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्जर क्विक चार्ज 3.0 गो ऑन का, ये आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा। इसके अंदर जो है वो प्रॉपर आपको स्विचिंग सिस्टम आता है, सो दैट कभी अगर यू नो मतलब जो क्या वो बोलते हैं ना खराब बिराब हो जाता है तो तेरा बैटरी को ड्रेन करता है, तो वो नहीं होगा। सो ये भी है एंड फास्ट चार्जर है 3.0 ये वाला क्या, यस। तो लाइक ये ही मैं सबको रिकमेंड करूँगा, जो भी प्रॉपर राइडर है, सीरियस राइडर है उनको, क्योंकि महंगा है 1200 रुपये का है, तो क्या लोग सोचेंगे यार 500 रुपये में विद तेरे को माउंट के साथ चार्जर आ जाता है, ठीक है, तो तेरे को वो काय को करना है। सो वो एक हो गया। देन यहाँ पे है अपना मोबाइल होल्डर, सो यहाँ पे लाइक आता नहीं है बट एक कंपनी है कॉल्ड मोटो डेन, उसने ये जो ब्रैकेट है वो बनाया है एंड उसके ऊपर आपका ये जो एक्स माउंट है ये लगता है। तो यू नो यहाँ पे एक स्क्रीन, यहाँ पे एक स्क्रीन, पूरा याहूम याहूम। देन मूविंग अहेड, ये आपके ऑफ रोड फुटपैक है, ये भी मोटो कैन करके कंपनी है, उससे मैंने मंगाए थे। इसका एक्चुअली एडवांटेज क्या है ना, जब भी अपन सैडल करते हैं तो जो आपका फुट पैक है वो उसको ज़्यादा पोर्शन मिल जाता है खड़े रहने के लिए, जिससे आप स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जो आपका कंफर्ट होता है स्टैंडिंग रहने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे आते हैं, ये है अपना पिलियन के लिए फुट रेस्ट, मतलब थोड़ा सा बड़ा वाला है, एनलार्ज है। क्या सीन ऐसा है कि यार मुझे अपने वाइफ को लॉन्ग टूर पे लेके जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको भी बहुत पसंद है, बट कुछ फैमिली लाइक रीजंस की वजह से वो ज़्यादा नहीं आ पाती, बट स्टिल मैं उसका कंफर्ट का पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ। तो उसी के लिए वो फुट पैक एंड ये जो पीछे का आपको बैकरेस्ट दिख रहा है जो कि कार्बन रेसिंग की तरफ से है ये वाला, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो स्पेशली एंड स्पेशली उसके लिए, उसके कंफर्ट के लिए। ध्यान रखना आपको भी आगे लाइफ में फायदा होगा। बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम अपने को। देखो आप अपने पिलियन को अगर कंफर्टेबल रखोगे तो वो डेफिनेटली बाइक राइड पसंद करेगी, बट अगर उसको एक राइड के ऊपर भी अनकम्फर्ट फील हुआ तो फिर भाई आपकी बाइकिंग जो है वो खतरे में है। और पूरा यूट्यूब का चैनल भी। एक ही चीज़ ले गई, ये जो है ये अपना डी गार्ड करके बोलते हैं इसको, ये थोड़ा स्टाइल में दिखता है तो इसकी वजह से ये लगाया था। जो नॉर्मल आते हैं वो स्क्वायर में आते हैं, okay. तो वो स्क्वायर वाले मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगते थे, सो दैट्स व्हाई ये डी वाला मैंने मंगाया है। ये एक कंपनी है कोयम्बटूर बेस, MEG.deals करके, उससे मैंने मंगाया है। okay. तो ये जो कम्प्लीट चीज़ है, अभी इसका मैं आपको प्राइसिंग बताना भूल गया तो वो बता देता हूँ। ये है लगभग 2000 रुपीज़, ओके। उसके बाद ये जो है ये है लगभग 2500, ये जो है ये कुछ 1600 रुपये का है, ये आगे का जो है ये 1800 रुपये का है। देन ये आपका जो है ये काम आपका बंदे के ऊपर है, मेरे को 500 रुपये में करके दिया, आपके यहाँ पे आपके हिसाब से रह सकता है। देन आगे का ये जो वाइज़र है ये लगभग कुछ 2500 का है, ये 2000 का है, ये 1000 रुपये का है। एंड सस्पेंशन जो था मैंने बताया 25,000, एंड ये जो गार्ड है ये लगभग 3500 का है। ओके okay, so, तो मोटा मोटी खर्चा मतलब अराउंड 40,000 रुपीज़ का खर्चा है। यस yes. और 40,000 में आपकी बाइक ऐसी ये कमाल हो जाती है, कमाल मतलब बीक के साथ। भाई एक था यार कि गाड़ी अपनी ली है, थोड़ा सा यू नो उसको अलग बनना चाहिए, क्योंकि रोड पे डोमिनर तो बहुत है, बट अपनी डोमिनर थोड़ा अलग हटके होनी चाहिए। तो उस तरह नहीं, और फिर एक्चुअली सब टूरिंग मॉडिफिकेशन थे, ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें कि मतलब अपने को फालतू लाइट लगाया है, कलर मारा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब जितना भी किया है तो सब मतलब जरूरी का काम है। यस हां, और ये कंफर्ट राइड पे आप कंफर्टेबल रहोगे नहीं ना अगर, तो आपको राइड करने में मजा ही नहीं आएगा। yes. और मजा नहीं आएगा तो फिर आप राइड क्यों करोगे? राइट तो इसीलिए ये सब किया है भाई ने, 40,000 अराउंड खर्चा हुआ है। और आप डोमिनार देख सकते हो, फुल्ली लोडेड डोमिनार, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। वो टैंक का वो एक्स्ट्रा है मगर बहुत सही लगता है। ये सबसे ज्यादा यही पसंद आ गया, मेरे को सबसे ज्यादा वही अच्छा लगा। कितना कन्वीनियंट है पता है क्या? हाँ। ये टैंक बैग निकालो, हाँ, बिंदास है ना, टैंक बैग बस निकालो और चल दो, और लगाना है तो बस ऐसा ये इसको इधर लगा दो, बस लगा दो। तो बहुत मजा आई आज, एंड थैंक यू भाई, अरे बस क्या भाई, आने के लिए क्या मिलने के लिए अपने बड़े यूट्यूबर है। अरे क्या छोटे बड़े यूट्यूबर है, छोटे मोटे इससे मैंने प्रॉमिस लिया है कि ये मेरे को नेपाल राइड कराएगा और मेरे को घुमाएगा,
ठीक है, डन डन। कल लाइव वीडियो में लाइव आ रहा है। हाँ, कल ये लाइव भी आ रहा है और नेपाल अपना अपना कल इंस्टा पे भी बोले ना। हाँ, यस करेगा, अभी साथ में राइड करेगा। हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ, थोड़ा अपना जम रहा भी है। मजा आ रही है, मजा आ रही है, मजा आ रही है, मजा आ रही है, तो अपन करेगा राइड। मजा नहीं आ रही तो नहीं करते, तो मजा आ रही है और राइड हम लोग प्लान भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल नेक्स्ट राइड पता नहीं साथ में होगा कि नहीं, मगर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग राइड साथ में प्लान कर रहे हैं और लंबा राइड करेंगे। लंबा 20 थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, 2021 101% हम दोनों आपको नेपाल में मिलेंगे। डन, या होम ऐसी जगह जाएंगे ना जहाँ पे मतलब जो बाकी लोग नहीं गए, नहीं किए किसी ने, वैसा कुछ करेंगे और धमाल करेंगे। तो एनीवेज गाइस, इट इज़ टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धूप से मेरे पसीने छूट रहे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। एंड भाई साथ में बोलेगा हाँ, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। एंड मचाते रहो। चलो गाइस भाई, टेक केयर।